life in a world that keeps changing think that it's progress you're making copy and paste pretty faces all the time pictures so perfect we play through only cause you set up the angle हेलो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल कैसे हैं आप लोग सब आई होप बहुत अच्छे होंगे मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो ये है पुस्टा हारदलिया जो मैंने एक दिन पहले सोक किया था बनाने के लिए बट मैंने बनाया नहीं क्योंकि मैंने राइस बना लिया था इसलिए तो इसको मैं वेस्ट नहीं कर सकती तो मैंने सोचा क्यों ना इसका मैं डोसा या चीला बना के देखूँ कैसा बनता है तो मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया अब इसको मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी तो ग्राइंड कर लेकिन मैंने इसको मिक्सर जार में डाल दिया और इसमें एक हरी मिर्च थोड़ा सा अदरक डाल दिया इसका अच्छा फ्लेवर एंड टेस्ट आता है उसके बाद मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँ थिक वाला ग्राइंड करूंगी मैं और खूब महीन पेस्ट जो होता है ना वो मैं बना लूंगी ठीक है तो डोसा दो, का वेटर होता है ना बेटर वे, वैसे ही बना लूँगी तो ये ऐसा थिक है आप देख सकते हो इसमें थोड़ा सा मैं सॉल्ट ऐड करूंगी सोडा वगैरह कुछ भी नहीं हमें ऐड करना है बस सिंपल सा बनाना है तो थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है उसके बाद मैं एक तवा ले लिया है जो नॉन स्टिक तवा होता है इस पर थोड़ा सा घी डाल दिया है अब इस डोसा को मैं बना लूँगी ठीक है अच्छे से ये स्प्रेड हो गया था बहुत अच्छा बना था ये काफ़ी ना मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जैसे दाल है चावल है तिल है बाजरा है जो बाबा रामदेव का पुष्टाहार दलिया होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें दली होती हैं तो ये काफ़ी अच्छा सा चीला डोसा जो भी आप बोल सकते हो बना था इसको मैंने ले लिया थोड़ा सा चटनी और ये एक बॉल दही के साथ दही में लेती ही लेती हूँ चाहे मैं लंच में लूँ ब्रेकफास्ट में दही में लेती हूँ दो डोसा लिया था मेरा पेट बिल्कुल फुल हो चुका था यकीन मानो बहुत टेस्टी बना था एंड मिड मॉर्निंग उसके बाद मैंने चाय लिया था चाय पी थी मैंने उसके बाद मिड मॉर्निंग में डोसा ना काफ़ी हैवी था तो मेरे को कुछ खाने का मिड मॉर्निंग में मन था नहीं तो मैंने ग्रीन टी लिया था अच्छा जी मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीन टी मैं ले रही हूँ बट मुझे ग्रीन टी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं चाहे किसी भी कंपनी की हो कोई भी ब्रांड का हो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ठीक है जी तो मैंने ग्रीन टी लिया था उसके बाद मैंने हल्का सा मैंने लंच लिया था जिसमें मैंने दो एक को तोड़ के उसमें थोड़ा सा प्याज धनिया पत्ती मैंने डाल दिया और इसका अच्छा सा एक ऑमलेट बनाऊँगी मैं और बस दो ब्रेड लिया था मैंने आ, क्योंकि जो मैंने वो मूंग का चीला था ना उसमें बहुत सारी चीज़ें डली थी ना तो वो काफ़ी हैवी हो गया था तो मेरे को लंच ना भारी करने का बिल्कुल भी मन नहीं था तो मैंने फटाफट से ये ऑमलेट और ब्रेड खा लिया था और काफ़ी ये भी ऑमलेट ब्रेड जो होता है ना ये भी काफ़ी फुलफ़िल होता है ऐसा नहीं होता है कि लाइट होता है ऐसा नहीं होता है खा के आप देखोगे तो आ, मतलब लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से लंच किया है ऐसा वाला फीलिंग आता है तो ये मेरा ब्रेड और ऑमलेट था लंच um, था ठीक है जी उसके बाद शाम को मैंने लिया था मखाना शाम को थोड़ा सा मेरे को लगा था कि हाँ कुछ खाने की जरूरत है मखाना लिया था साथ में चाय ली थी मैंने और मेरा रात में था वही पपाया एंड की भी ले लिया था मैंने बस हो गया ये था मेरा नाइट का उसके बाद जी ये अगले दिन का है ये है अगले दिन डे नाइन का तो सुबह मुझे डॉट जाना था डॉक्टर के यहाँ तो मैं ना कुछ बना नहीं सकती थी तो मैंने फटाफट से दो ब्राउन ब्रेड लिए थे इस पर मैंने पीनट बटर स्प्रेड कर दिया था और एक बनाने के एक बनाना का स्लाइस मैंने ऊपर पूरा स्प्रेड कर दिया था और ये मेरा हो गया यम्मी सा ब्रेकफास्ट क्योंकि क्या था ना कि इन लोगों को मैंने मैगी बना के दे दिया था और मैंने अपना जो हेल्दी सा ब्रेकफास्ट होता है वो ले लिया था क्योंकि हमें जाना था डॉक्टर के यहाँ तो आरिस के टीथ ख़राब हो चुके हैं उसको फिलअप करना है तो उससे पहले टेस्ट वगैरह करवाना था जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हम लोग पहले भी डॉक्टर के यहाँ गए थे लेकिन हम लोग दो तीन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं क्योंकि बच्चे की बात है तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो इसीलिए हम लोग गए थे डॉक्टर से दिखाने के लिए उसके बाद फिर लंच में लंच में मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने खाना ऑर्डर किया था तो इन्होंने लिया था जो मिक्स वेज कोरमा होता है वो एंड स्टप कुलचा लिया था इन्होंने और आ, मिक्स वेज राइस लिया था और मैंने बस दो से तीन चम्मच लिया था वही खाना और थोड़ा सा नूडल्स मैंने मंगवाया था शेजवान जो हक्का नूडल्स होता है वो और साथ में था गोभी मंचूरियन बट ये सारा खाना जो देख रहे हो ना हमने सारा पैक करवा लिया था क्योंकि मैं ज़्यादा खा नहीं सकती थी हस्बैंड से भी ज़्यादा खाया नहीं गया और ये आर का फ्रेंच फ्राइज था तो हमने सारा खाना पैक करवा लिया था उसके बाद मैं आ गई थी नर्सरी नर्सरी में मुझे बहुत दिनों से यहाँ आने के बाद हमने प्लांट नहीं लिया तो बहुत दिनों से मेरा मन था तुलसी और मनी प्लांट लेने का और एक फ्लावर हमने ले लिया था तो बस यहाँ पे तो सब, सब वैराइटीज बहुत थे बट जो हमारे नॉर्थ में मिलते हैं ना वो मुझे नहीं मिल रहा था जो चीज़ें मेरी आंखें ढूंढ रही थी ना वो मुझे मिल नहीं रहा था वैसे बहुत सारी चीज़ें थे आप आ, बालकनी में लगा इनडोर वाले भी थे आउटडोर वाले भी थे आप जहाँ भी लगा सकते हो सारे थे बट मेरा मन ना जो ढूँढ रहा था वो मिल नहीं रहा था तो फिर भी मैंने दो तीन पौधे लिए हैं जो मुझे घर के लिए लेने थे ज़रूरी था वो मैंने लिए हैं अच्छा नर्सरी था बड़ा था काफ़ी अच्छा था सब कुछ था लेकिन पॉट मैंने ढूंढा ना तो पॉट मुझे मिला नहीं तो पॉट हमें बाद में फिर एक्स्ट्रा बाहर से लेना पड़ेगा अभी तो हमें जिसमें उसने दिया है ना वही हम लेकर आए हैं उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे घर में जो नूडल्स वग़ैरह जो मंचूरियन वगैरह पैक करवाया था वो हस्बैंड ने खा लिया था और उसको मैंने दही चूड़ा दे दिया था उसको टीथ प्रॉब्लम है और मेरा ये है पपाया एंड मेरा जो ये है स्ट्रॉबेरी ये था उतना मीठा नहीं था स्ट्रॉबेरी फिर भी ठीक था तो मेरा ये है नाइट का खाना है जी उसके बाद ना अगले दिन का मैं शेयर कर रही हूँ डे टेन का मैं शेयर कर रही हूँ ये है संडे का जो कल का था तो सुबह में मैंने बनाया था सैंडविच सैंडविच के साथ मैंने लिए दही क्योंकि कोई भी चटनी नहीं थी सारी चटनी खत्म हो गई थी यम्मी सा मेरा ब्रेकफास्ट और ये बनाया था मैंने एक करी तो एक करी मैंने बिना ऑयल के बनाया था इसमें सारे जो होते हैं टमाटर हरी मिर्च गरम मसाला काजू बादाम सब कुछ मैंने बॉईल किया था उसी को मैंने अच्छे से पीस के ये एग में फ्राई कर रही हूँ तो ये देख के मत डरिएगा कि मैं अकेले इतना खाऊँगी ऐसा कुछ नहीं है मैंने बस दो एग लिया था यह हस्बैंड के लिए भी है दिन और रात दोनों का है थोड़ा सा मिड मॉर्निंग में नारियल ले लिया था मैंने उसके बाद ये है मेरा लंच वाइट राइस एंड दो एग और ढेर सारा सैलेड जो मैं हमेशा खाती हूँ ठीक है जी तो ये था मेरा लंच लंच करने के बाद रात में मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था बस एक गिलास हल्दी वाली दूध ली थी मैंने खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था इसलिए मैंने नहीं खाया था तो कैसा अलग है मेरा तीन दिन का डाइट बताइएगा ज़रूर फॉलो करके देखिए जरूर वेट कमेगा नहीं कमने का सवाल ही नहीं है डैम श्योर चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में नए डाइट के साथ तब तक ले टाटा बाय बाय टेक केयर देखते रहिए